भारत चीन सीमा विवाद में देश के 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर सिंगरौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। एबीपी कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चीन से आई वस्तुओं के बहिष्कार करने की अपील की। एबीवीपी का कहना है कि चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने से चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। चाइना हमसे व्यापार करके हमारे ही सैनिकों के ऊपर हमला करता है और हिंदुस्तान की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।